तेलुगु इंडस्ट्री की एक एक्शन मूवी रिलीज हो गई है नेटफ्लिक्स पर भोला शंकर के नाम से, जिसमें लीड रोल निभाते हैं नजर आएंगे चिरंजीवी, तमन्ना भाटिया, कीर्ति सुरेश, वेंदला किशोर और मुरली शर्मा जैसे और भी कई सारे स्टार। तो आइए जानते हैं कि कैसी है ये मूवी, क्या ये मूवी आपको एंटरटेन करती है और क्या इस मूवी के लिए अपना कीमती टाइम देना वर्थी है भी या नहीं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। वेल हेलो, मेरा नाम है अशोक कुक्कर और आप देख रहे हैं कुक्कर रिव्यू पॉइंट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह मूवी साल 2015 में आई तमिल फिल्म वेदलम का ऑफिशियल रीमेक है। अब ऑफिशियल रीमेक है तो फ्रेम टू फ्रेम ही कॉपी किया गया है। दोस्तों यह मूवी 11 अगस्त को थिएटर में रिलीज हुई थी, जिस दिन गदर 2, ओ माय गॉड 2 और जेलर रिलीज की गई थी, लेकिन इसका हिंदी डब वर्जन अभी नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है, जिसको मैंने देख लिया है। एनीवे बात करते हैं मूवी की। दोस्तों कहानी के बारे में बिना स्पॉइलर के बस इतना ही कहना चाहूंगा कि कहानी है कोलकाता सिटी की, जहां पर लड़कियों की किडनैपिंग का एक बहुत ही जबरदस्त नेटवर्क चल रहा होता है, जो लड़कियों को किडनैप करता है और उनको विदेशों में सप्लाई करता है, जिसके सामने कोलकाता पुलिस भी हार मान चुकी है। फिर एंट्री होती है भोला एज ए चिरंजीवी सर की, जो किसी एक खास मकसद से कोलकाता में आता है और अनफॉर्चुनेटली वो इस सबसे कनेक्ट हो जाता है, जिसका पास्ट में कोई बहुत बड़ा सॉलिड वाला कनेक्शन भी देखने को मिलता है इस गैंग से। तो आखिरकार क्या इस नेटवर्क का खात्मा हो पाएगा और भोला का इस नेटवर्क से पास्ट में क्या कुछ कनेक्शन था, ये सब तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। परफॉर्मेंस की बात करें तो चिरंजीवी सर का काम काफ़ी अच्छा था, वो हर रोल में काफ़ी अच्छे लग रहे थे, चाहे वह कॉमेडी सीन हो, इमोशन सीन हो या फिर एक्शन सीक्वेंस, उनकी परफॉर्मेंस जबरदस्त थी। मुरली शर्मा और वेंदला किशोर का काम भी अच्छा था, हालांकि उनका स्क्रीन टाइम कम है लेकिन सॉलिड परफॉर्मेंस। बाकी इसके अलावा किसी भी स्टार कास्ट की परफॉर्मेंस में कोई खास दम नहीं लगा है मुझे तो भाई, ओवर एक्टिंग का जबरदस्त डोज दिया गया है, मतलब ये है कि परफॉर्मेंस वाइज यह मूवी ओके ओके है। बात करें पॉजिटिव की तो मूवी की सिनेमाटोग्राफी काफ़ी अच्छी है, जिस तरह से एक्शन सीक्वेंस को शूट किया गया है वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। मूवी का प्लॉट भी अच्छा है, जिस टॉपिक के ऊपर यह मूवी बनी है वो काफ़ी जबरदस्त है। मूवी का स्क्रीन प्ले भी ठीक ठाक है, स्पेशली फर्स्ट हाफ में, जो आपको इंगेज करके रखेगा। मूवी का BGM भी ठीक ठाक है, जिसे सुनने में मजा आ जाता है भाई साहब। बात करें नेगेटिव की तो मूवी का सबसे कमजोर पॉइंट है इसकी कहानी, जिसको जबरदस्ती लंबा खींचा गया है, जिससे कहानी कई बार ट्रैक से उतर जाती है लेकिन वापस ट्रैक पर आ भी जाती है, जिससे कई बार आप बोर फील करोगे और सोचोगे कि भाई कहानी में क्या चल रहा है और मूवी किस दिशा की ओर जा रही है। मूवी में हीरो यानी कि चिरंजीवी सर के कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखाया गया है, मतलब यार एक आदमी 50-100 गुंडों को मार गिरा देता है, जो कहीं कहीं पर ओवर एक्टिंग लगती है। और भाई मूवी की लेंथ है 2 घंटे 40 मिनट, जिसको थोड़ा छोटा करके कहानी को थोड़ा और क्रिस्प बनाया जा सकता था। मेरे हिसाब से इसे 2 घंटे में भी खत्म किया जा सकता था। क्यों देखें, अगर आप चिरंजीवी सर के फैन हैं और आपको साउथ की एक्शन मास मसाला फिल्में देखना पसंद है, चाहे उसमें लॉजिक हो या ना हो, तो आप इस मूवी को देख सकते हो। हाँ, मूवी 100% फैमिली फ्रेंडली है, इसको आप अपनी फैमिली और पेरेंट्स के साथ आराम से इंजॉय कर सकते हो। चिरंजीवी सर की बेहतरीन परफॉर्मेंस और मूवी के प्लॉट के लिए मैं दूंगा मूवी को 2.5 out of 5 star। बाकी मूवी को जबरदस्ती लंबा खींचने के लिए और मूवी में ओवर एक्टिंग का डोज देने के लिए 2.5 star तो आराम से काटा जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू मूवी भोला शंकर के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर वीडियो में कोई कमी लगी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि हम अपने नेक्स्ट वीडियो को थोड़ा और इम्प्रूव कर सकें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।